गांव में एक पुराना हवेली था जिसके बारे में सभी कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। हवेली के मालिक ठाकुर हरनाम सिंह की मौत के बाद से वहां अजीब घटनाएं घटने लगी थी। रात होते ही हवेली से डरावनी आवाजें आने लगती और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन अनिरुद्ध, जो गांव में ही रहता था, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अनिरुद्ध ने अपनी तैयारी की और रात के समय हवेली की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसके दोस्त विजय और समीर भी थे। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर हवेली के भीतर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। हर जगह जाले और धूल जमी हुई थी। अनिरुद्ध ने एक मशाल जलाई और तीनों ने हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। अचानक हवेली के एक कमरे से एक जोरदार आवाज आई। तीनों दोस्त उस आवाज की दिशा में भागे। जब वे उस कमरे में पहुंचे तो देखा कि वहां एक बड़ा आईना रखा था। आईने में कुछ अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं। विजय ने हिम्मत जुटाकर आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक आईने से एक काली परछाई निकलकर बाहर आ गई। वह परछाई बहुत भयानक थी और उसने विजय पर हमला कर दिया। विजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज कर रह गई। अनिरुद्ध और समीर ने किसी तरह विजय को खींच कर बाहर निकाला और तीनों दोस्त दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल आए। हवेली से बाहर आकर विजय ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया हो। तीनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता जरूर लगाएगा। अगले दिन अनिरुद्ध गांव के बुजुर्गों के पास गया और हवेली के बारे में जानकारी हासिल की। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हवेली में ठाकुर हरनाम सिंह की बेटी रुक्मिणी की मौत हो गई थी। रुक्मिणी की आत्मा ही हवेली में भटक रही थी और लोगों को डराने के लिए परछाई का रूप ले लेती थी। अनिरुद्ध ने यह सुनकर तय किया कि वह रुक्मिणी की आत्मा को मुक्त करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रात को वे फिर से हवेली में घुसे और सीधे उस कमरे में गए जहां आईना रखा था। अनिरुद्ध ने एक पवित्र मंत्र पढ़ते हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। तभी आईने से फिर वही काली परछाई निकलकर आई और अनिरुद्ध पर हमला करने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस बार अनिरुद्ध तैयार था। उसने अपने हाथ में रखा पवित्र जल उस परछाई पर छिड़क दिया। परछाई दर्द से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। अचानक कमरे में एक उजाला फैल गया और रुक्मिणी की आत्मा प्रकट हुई। उसने अनिरुद्ध का धन्यवाद किया और बताया कि वह अब मुक्त हो चुकी है। रुक्मिणी की आत्मा ने बताया कि उसके पिता ने उसे जबरदस्ती इस हवेली में कैद कर दिया था और उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी थी। रुक्मिणी की आत्मा ने अनिरुद्ध और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया और फिर एक तेज प्रकाश के साथ गायब हो गई। हवेली में एक अजीब शांति फैल गई। अनिरुद्ध और उसके दोस्त अब समझ चुके थे कि उन्होंने एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया है। गांव के लोग जब यह सुनते हैं कि हवेली में अब कोई भूत नहीं है, तो वे अनिरुद्ध और उसके दोस्तों की हिम्मत की तारीफ करते हैं। हवेली अब वीरान नहीं रही, बल्कि गांव के लोग वहां जाने लगे और उसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखने लगे। अनिरुद्ध, विजय और समीर की यह कहानी गांव में हमेशा के लिए याद रखी जाती है। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और दृढ़ संकल्प से किसी भी भयावह स्थिति का सामना किया जा सकता है। हवेली अब एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि साहस और मुक्ति की मिसाल बन गई।